हेलो दोस्तों, टेक्निकल सिद्दीकी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन का यूज करके अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको इंटरनेट को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन को ओपन करना है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने अपने स्मार्टफोन को ओपन किया है। आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे करना है और यहाँ से आपको मोबाइल डाटा को ऑन कर देना है। अब आपको सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको हॉटस्पॉट सर्च करना है, HOTSPOT आपको यही सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो रिजल्ट पहला आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वाईफाई हॉटस्पॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह ऑफ है, आपको इसे क्लिक करके ऑन करना है। तो मैंने इसे ऑन कर दिया। आपको यहाँ पे एक हॉटस्पॉट नेम नाम से एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यह दरअसल आपके हॉटस्पॉट का नाम है। आप चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रहने दूंगा, इसीलिए आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसमें एक अपना पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड टाइप किया है टेक्निकल सिद्दीकी। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, आपको इसे ऑफ रहने देना है। आप चाहे तो इसे ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसे ऑफ रहने दें। अब आपको मोबाइल में बस इतना करना था। अब आपको होम स्क्रीन प्रेस करके वापस आ जाना है। अगर आप हॉटस्पॉट को बार बार जाके सेटिंग में ऑन नहीं करना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फर्स्ट पैनल में ही हॉटस्पॉट का ऑप्शन है। आपके मोबाइल में भी यही होगा, आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट लिखने के बजाय एक साइन बना होगा हॉटस्पॉट, आपको उस पर क्लिक करके ऑन करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ऑन हो गया और फिर ऑफ हो गया। अगर स्क्रॉल करने के बाद भी हॉटस्पॉट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको ये पेन का कलर का आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे तो आपको 100% हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली उसे ऐड कर लेना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली हॉटस्पॉट को ऑन करना है। अब हमको वापस से कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाना है। तो ये देखिए, हम वापस से कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए। अब आपको सिंपली इस नेटवर्क वाले आइकन पर क्लिक करना है जो कि टास्क बार पर दिख रहा होगा। अगर आपके कंप्यूटर में यह नहीं दिख रहा तो आपको इस एरो वाले की पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कई बार केसेस में यह नेटवर्क वाला ऑप्शन यहाँ पर भी होता है, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एक वाईफाई, दूसरा फ्लाइट मोड और तीसरा मोबाइल हॉटस्पॉट। तो आपको सिंपली इस वाईफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरा वाईफाई आ चुका है, तो मुझे इसे कनेक्ट करना है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इस कनेक्ट ऑटोमेटिक वाले को रहने दीजिए और फिर कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपको वह पासवर्ड टाइप करना है जो आपने इसमें लगाया है, तो मैं सिंपली इसमें अपना पासवर्ड टाइप कर दिया। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपने पासवर्ड सही टाइप किया है या फिर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको नो पे प्रेस करना है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अगर आपके केस में वाईफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके विंडोज़ कंप्यूटर में वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। अगर आपको पता नहीं कि इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं तो आप आई बटन पे यह वीडियो देख सकते हैं जो अभी आया है। दरअसल मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि कैसे आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर या लैपटॉप में वाईफाई ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप सिंपली इस वीडियो पर जाकर क्लिक कीजिए और स्टेप बाय स्टेप वाईफाई ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद इस स्टेप को फॉलो कीजिए और आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब वाईफाई कनेक्ट होने के बाद मैं इसे चेक करना चाहता हूँ कि यह वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया है और इसमें मैं सिंपली youtube.com को ओपन करूँगा और अपने चैनल को ओपन करूँगा। तो सर्च बार में लिखते ही जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेज लोड हो चुका है। इसका मतलब हमारा वाईफाई का सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है और यह 100% वर्क कर रहा है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले मिले। अब मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।